ये देखिए यहाँ पे गाइस, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए गिर गए यहाँ पे देवरा। ये है वन विहार और करते हैं अंदर एंटर, देखते हैं यहाँ का क्या है नजारा। यहाँ का 10 रुपए टिकट है एक लोग का। बाबा से पूछते हैं यहाँ पे क्या है, तो चाचा यहाँ पे अंदर क्या है देखने को। ये वन विहार है। अच्छा, इसके अंदर मतलब क्या 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 देखने को मिलेगा? ये शूटिंग पॉइंट है, यहाँ फिल्में वगैरह जो होती है ना उसकी शूटिंग होती है सारी। अच्छा, 1 किलोमीटर का एरिया है ना काफी। अच्छा, आप घूम के देखो, 1 किलोमीटर का एरिया में शांति वाली जगह है। सही, ये मई जून लगा ना नीचे गर्मी पड़ती है, फिर आप बैठ के देखो यहाँ, एक 10 मिनट बैठोगे ना ऐसे देखो जैसे एसी में बैठ गए। अच्छा, इतना ठंडा है ये, नेचुरली है ये। तो देखिए यहाँ पे हमें बाबा ने जानकारी दी और सही जानकारी दी आप लोगों को, धन्यवाद हमें बताने के लिए। तो यहाँ का कुछ है ऐसा सीन, गोल गोल ईटा तो है लेकिन कहीं देखना फुटबॉल की तरह तुम्हें लोग ना डुगर जाना। गाइस ये देखिए कितना सुंदर है नजारा, देवरत उल्टा काम ही करते हैं, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, यहाँ पैंट पहन के फूल खिला है। थोड़ी चूतिया हो क्या, गलती से भी कीचड़ में गया। देखिए देवरत का बुद्धि है, इसलिए मैं कहता हूँ साइको है थोड़ा, इसी कचड़े में जा रहे थे झूला झूलने। देखिए 4 पेड़ काट दिए गए, बहुत दुख हुआ, बैठने के लिए पेड़ काट दो तो गलत बात है ना। ये मैं आसमान की गहरी ऊंचाइयों पे, और ये देखिए सुनसान सा रास्ता, और यहाँ पे मेरे दोस्त लोग ट्रैकिंग करते हुए आई डोंट नो हम किधर जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। यहाँ पे झगड़ा होते जा रहा है, देखिए बदतमीजी ना करो तुम लोग, पता नहीं कचड़े में सब ला रहे हैं, बारिश वारिश हुआ था। कौन सा पेड़ है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। पवित्र सरोवर माँ हिडिम्बा का है, कृपया करके यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैला। इस पत्थर की खासियत बताइए आप हमें। ये देखिए टूर गाइडर हमारे निखिल शर्मा, देखिए उस पत्थर के ऊपर लोग चढ़ने की बात कर रहे हैं। अब देखिए मुझे लग रहा है इनका चश्मा भी इनका काम नहीं कर रहा है, ये बोल रहे पत्थर के ऊपर चढ़ नहीं सकते। वहाँ साफ लिखा है कि देवी के स्थान पर चढ़ना सख्त मना है इस पत्थर पर। ये लाल कपड़ा ही बना हुआ है लेकिन इनको चढ़ना है। जंगल के बीच में पानी है, अब नदी तो नहीं कह सकते लेकिन पोखरा कह सकते हैं गाँव के भाषा में। यहाँ पे देखिए पीछे का ऐसा व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है टेरेस फार्मिंग टाइप में, और पीछे देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है गड्ढा, और फिलहाल यहाँ पे देखिए पत्थर कितना सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, और यही है नेचुरल सीन असली ठंडे प्रदेशों का। करता हूं, देखता हूँ तो बस गिरू ना भगवान के भरोसे, बाकी मैं जूता तो स्लिप तो नहीं करना चाहिए। तो फाइनली गाइस मैं भी चढ़ चुका हूँ यहाँ, मैं और निखिल करेंगे फोटोशूट, और देवव्रत का देखिए, देवव्रत वहां पे चढ़े हुए हैं, अभी उनका गिरेंगे तो मुंह टूट जाएगा लेकिन एक्शन में पूरा है वो। देवव्रत बहुत ज्यादा हंस रहे हैं और आकाश की अंदर अंदर फटी हुई है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी गुफा दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं गुफा है, और कुछ ऐसा ही सीन हो जाता है बड़े गुफा को देखने का, यानी बड़ा गुफा आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया दृश्य दिख रहा है यार माहौल यहाँ का पीछे का, देख सकते हो। अब हम थोड़ा सा जंगल एरिया से बाहर आए हैं, मेरे दोस्त फोटो शूट करते हुए, यहाँ फोटो खींचने का ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे घूमने का असल में मतलब है। ये देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं ग्रीन माउंटेन्स। तो गाइस यही है वन विहार, आई होप आप लोग वन विहार घूम चुके होंगे। यहाँ का नेचर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफी ठंड लग रही है हमें अब। गाइस वो देखिए पहाड़ का कितना सुंदर सीन है यहाँ का। तो गाइस यहाँ पे देवरत जियान वाला गाना गा रहे हैं, मैं हूँ जियान मेरा गला है बहुत सुरीला, वो कहने वाली बात नहीं है। ऐसे तो ये जगह शांति के लिए बनाई गई है स्पेशली, लेकिन यहाँ पे आके हम लोग हल्ला कर रहे हैं तो यार ये बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी शांति जगह पे ही हल्ला करने का असली मजा आता है। तो गाइस हमें यहाँ पे वन विहार में गुफा देखने को मिला है, यूपी वाले इसका सही उपयोग जानते हैं कि इस गुफा का क्या उपयोग किया जा सकता है। जो भी एक काम करते हैं देवरत वो हमेशा उल्टा काम ही करते हैं। इस वहाँ पे देखिए ये भी एक अलग तरीके का बिजनेस है, यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट्यूम पहना के पैसा जीता जा रहा है, खरगोश हाथ में देके पकड़ा दिया जा रहा है और बस फोटो खींचने का ही पैसा दिया जा रहा है। निखिल उछल जा रहे हैं, सीन सोच सकते हैं क्या क्रिएट हो रहा है। तुम भी आओ ना, तुम्हारा ही बना। नहीं भाई रिस्की हो जाएगा मेरे लिए, डरा गए, डराई बात है। ये देखिए यहाँ पे गाइस ये लोग क्या कर रहे हैं,
ये देखिए गिर गए यहाँ पे देवरा, यहाँ पे देवरा गिर चुके हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। आवाज में थोड़ा दम लाइए। निखिल कितना तेज बोलेगा। निखिल भाई चैनल को क्या करना है? अनसब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। इतना सब मेरा बेइज्जती कर देते हैं। तो वैसे आपको जो मन करेगा वो कर दीजिएगा, वीडियो जैसा भी लगाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।